हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सभी? गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। तो आज जय बोरी अच्छी सुबह हो गई है। तीर्था जो है स्कूल पे चली गई है, घर का सारा काम हो गया है डन। अभी आधे घंटे में तीर्था को लेने जाने का टाइम हो जाएगा। और ये देखो, हाँ, टेडी बियर जो है वो बहुत ही डुल डुल वाला हो गया था, तो हमने इसे नहला के सुखा के रेडी कर दिया है। अब ये दिवाली के लिए रेडी है, बिल्कुल बहुत डुल डुल हो गया था। तो फिर अभी ये नहा के अच्छे से रेडी हो गया। जब मैं छोटी थी ना, तब मुझे छोटे छोटे जो टेडी आते थे ना, उसे नहलाना बहुत पसंद था। छोटे छोटे टेडी को जो है वो पाउडर में डाल के, क्योंकि उसमें क्या होता है, ढेर सारे बबल्स होते हैं, तो बच्चों को जो मज़ा आता है नहलाने में। पर ये बड़ा था तो तीर्थान तो नहीं बोला, पर मैंने वॉश कर दिया। तीर्था को अभी पता नहीं है कि हमने ये टेडी को जो है नहला दिया है। तीर्था आएगी उसके बाद उसे पता चलेगा कि टेडी तो यहाँ पर आ गया है। चलिए अभी हम फटाफट वीडियो एडिट कर लेते हैं और उसके बाद जो तीर्था को लेने जाएंगे। एक बात जो है वो बताना मैं भूल गई आप सभी को, तो मैंने सोचा कि चलो बता देते हैं। तो आज जो है मेरे मम्मी और पापा की दोनों की जो है वो एनिवर्सरी है, मैरिज एनिवर्सरी। तो मम्मी और पापा को ढेर सारी बधाई, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। मैंने अभी तक फ़ोन नहीं किया, 11:30 बज चुके हैं और मम्मी और पापा दोनों ही काम पे चले गए होंगे। तो फिर मैंने सोचा कि अभी दोपहर को आएंगे ना, तभी हम विश करेंगे। बाकी ये वीडियो के जरिए आज मैं अभी विश कर रही हूँ और देखते हैं शाम को कुछ प्लान होगा तो हम जाएंगे सेलिब्रेट करने के लिए। अगर नहीं होगा तो फिर कभी जाएंगे, तो देखते हैं क्या होता है। अभी तक फ़ोन कुछ आया नहीं है, ना ही मैंने फ़ोन किया है। तो ये है बिल्ला। तो आज के लंच में ये देखो बन रहा है यहाँ पे लापसी, बहुत ही अच्छी टेस्टी जो है वो लापसी यहाँ पे बन रही है। साथ में मैंने जो है मूंग दाल, बिल्कुल लापसी के साथ जो है ना मूंग दाल बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मूंग दाल जो है वो भी उबल रही है और बहुत ही टेस्टी जो है यमी यमी खाना आज बन रहा है। साथ ही में आज का जो और क्या कहते हैं सब्जी है वो गुवार आलू और साथ ही में है भिंडी और प्याज। तो प्याज अभी हमें काटनी बाकी है, तो अभी हम काटेंगे। और ये देखो तब तक हमारी लापसी रेडी हो गई। देखने में कितनी यमी लग रही है, खाने में इतनी यमी थी क्या बताऊँ, बहुत ही टेस्टी। साथ में देखो यहाँ पे भिंडी की सब्जी में रेडी है, थोड़ी देर बस पकाएंगे और रेडी हो जाएगी। तो ये था आज का लंच, साथ में थी रोटी। शाम हो चुकी है और अभी मुझे जो है थोड़ी सी भूख लगी थी, तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना लापसी और मग खा जाए, क्योंकि लापसी और मग जो बहुत ही टेस्टी है। आज का जो है वो दोपहर का लापसी और मग बहुत ही टेस्टी बना था। तो ये यहाँ पे मैं लेकर आ गई हूँ, अभी मैं ये खाऊंगी तो क्या होगा ना, भूख भी मिट जाएगी और अच्छा भी लगेगा कि बहुत टेस्टी बना है। साथ में यहाँ पे देखो टीचर सो रही है, तो उसे सोने देते हैं थोड़ी देर, उसके बाद फिर उठ के हम रेडी होकर जाएंगे मम्मी के घर पे और होगा तो हम वहाँ पे केक कटिंग करेंगे। तो चलो चलते नहीं खा लेते, उसके बाद चल देंगे। तो अभी शाम हो चुकी है और मैं हो गई हूँ रेडी जाने के लिए मम्मी के घर पे। पर उससे पहले हमने सोचा है कि छोटा सा जो है केक लेकर जाएंगे, तो पहले हम केक की शॉप पर जाएंगे, फिर केक लेंगे और उसके बाद फिर जाएंगे मम्मी के घर पर। और फिर मम्मी और पापा की दोनों की एनिवर्सरी जो है इंजॉय करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। तो चलो जल्दी से चलते हैं और उनको भी, मतलब कि मम्मी और पापा को भी आप सबको मिलवाती हूँ। चलो डन हो गया है, यहाँ से हमने ले लिया है और आज बहुत ही प्यारे प्यारे केक यहाँ पे है। तो हम आ गए हैं घर पे और ये देखो यहाँ पे पापा और मम्मी भी रेडी है, यहाँ पे हमारा केक भी रेडी है। तो हैप्पी एनिवर्सरी पापा, सुबह नहीं हो पाया था, इस मम्मी को भी हैप्पी एनिवर्सरी। मम्मी को तो मैंने कह दिया पापा आप ही आए, तो चलो अभी हम सेलिब्रेट करें। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी टू मी, एनिवर्सरी टू यू। अभी केक कट होगा और देखा देखो ही देख रही है, जल्दी से कट करे तो हम खा ले। गए हैं हम घर पे मम्मी और पापा की जो है वो एनिवर्सरी सिंपल सोबर से जो है वो सेलिब्रेट करके वापस घर पे। सिर्फ हमने केक ही कटिंग किया, बाकी हमने कुछ नहीं किया क्योंकि किसू जो है वो यहाँ पे नहीं थी, वो बाहर है। तो वो जब आएगी ना उसके बाद हम सेलिब्रेट फिर से करेंगे, बाहर कुछ जाएंगे घूमने या फिर कुछ खाना वाना खाने। तो ये है प्लान फिलहाल बाहर जाने का, कि अभी नहीं जाएंगे हम, फिर कभी जाएंगे जब किसू आ जाएगी उसके बाद। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताएं और ढेर सारी कमेंट कीजिए। मम्मी पापा को जो एनिवर्सरी विश कीजिए मेरे मम्मी पापा को, और भगवान से ढेर सारी प्रार्थना कीजिए ढेर सारी उनकी लाइफ में ढेर सारी खुशी आए, ऐसे भगवान से प्रार्थना कीजिए। मैं भी प्रार्थना करूँगी और ढेर सारी विशेष कीजिए, ठीक है। कॉमेंट में लिखना ज़रूर, ठीक है। चलो मिलते हैं अभी आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, जय श्री कृष्ण। और ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और एक ऐसे कॉमेंट कर देना। बाय।